एक बार फिर स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिल्डिंग बाइला, जो हम लोग कहीं भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका एक बिल्डिंग बाइला होता है। जो सिटी वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें अक्सर फॉलो होती है। जो वहाँ का लोकल म्यूनसी कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट होता है वो चीज़ें आके चेक करता है अगर उस एरिए में आप आ रहे हैं तो। ऐसे काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो मैं बिल्डिंग बाइला के बारे में अभी कंटिन्यूस वीडियो में अपडेट करता रहूँगा इसके बारे में। इसके काफ़ी पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, जितना मतलब हम कवर नहीं होता पूरा एरिया, मतलब सॉरी पूरा पार्ट कवर नहीं था उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम पावर लाइन एंड बिल्डिंग। जो हमारी बिल्डिंग कभी बनती है तो उसमें पावर लाइन और बिल्डिंग जो दोनों के बीच में गैपिंग होती है उसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा, तो मैं उसी के लेके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और ये बिल्डिंग बाइला जो एक टॉपिक है उसके अंदर ये सारे आ जाते हैं, मतलब उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। उसमें बिल्डिंग की हाइट क्या होती है, एक्सटीरियर, उसके हिसाब से कितना मिनिमम साइज़ होता है, कितना मैक्सिमम साइज़ होता है, वो चीज़ें। तो अभी मैं बिल्डिंग बाइला में जितने में डायमेंशन की बात करूं, अगर कोई भी चीज़ बताऊंगा मैं, तो इसमें मिनिमम डिस्टेंस के बारे में बताऊंगा कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, क्या नहीं होगा, उसके बारे में टोटली जो भी रहेगा उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी लंबा होगा। एक मैं बिल्डिंग बाइला के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन टॉपिक बता दूंगा कि उसका इंट्रो क्या होता है, पूरा एक अलग से बना दूंगा। अभी मैं ये टॉपिक ले लिया हूँ तो इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि पर डिस्टेंस फ्रॉम पावर लाइन एंड ये बिल्डिंग। तो इसमें अगर इसमें दो बातें होती हैं दोस्तों, ठीक है ना। एक पहली होती है, एक ऑलरेडी बिल्डिंग बन चुकी है उसके बाजू से अगर लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट जा रही है या फिर बिल्डिंग हमें बनानी है, तो दो केस होते हैं। उस केस में कितना डिस्टेंस छोड़ना है, कितना नहीं छोड़ना है, तो ये दोनों केस साथ में अप्लाई होते हैं। अगर मान लीजिए बिल्डिंग आपकी पहले बन चुकी है तो लाइट वाला जो इलेक्ट्रिक लाइन जाएगी वो आपसे कितना गैपिंग छोड़ के जाएगी, क्योंकि दोनों से काम डिस्टेंस यही रहेगा सेम, लेकिन काम जो लास्ट में करेगा वो गैपिंग छोड़ना पड़ेगा, ऐसा होता है। लेकिन खैर वैसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो भी काम करते हो गवर्नमेंट के रोड में ही करते हैं, कोई प्राइवेट रोड में ही काम करते हैं लोग, ठीक है। तो वो पहले ऑलरेडी जगह छोड़ देते हैं, तो मैं उसका केवल डिस्टेंस बताता हूँ आपको ये कितना कितना रहेगा, ठीक है। अगर आपकी लाइन सपोज मान लिया लो और मीडियम, यानी जो नॉर्मल लाइट जाती है, ठीक है ना, उसमें वर्टिकल में कितना गैपिंग छोड़ते हैं, वर्टिकल 2.5 मीटर, ठीक है। वर्टिकल बोले तो जैसे मैं आपको समझा देता हूँ एक छोटा सा बना के, जैसे हमारा मान लीजिए ये हमारा बिल्डिंग है, ये हमने मान लिया हमारा बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ अगर हमारी लाइट जा रही है ऐसे, मान लीजिए कि यहाँ पोल है, ठीक है, ये हमारा पोल है, तो लाइट का केवल ऐसे जाती है, आपने देखा होगा ये हमारी इलेक्ट्रिक पोल हो गई, ये हमारी केबल हो गई, ठीक है ना। तो अभी मैंने इसमें लिखा है 2.5 मीटर वर्टिकल हाइट, वर्टिकल मीन्स ये वाली जो आपके घर की गैपिंग है ये 2.5 मीटर रहेगी, ठीक है दोस्तों। 2.5 मीटर लो एंड मीडियम, यानी लो और मीडियम जो अपने नॉर्मल गांव में घूमती रहती है आसपास, उसको लो एंड मीडियम बोलते हैं। तो ये हमारा 2.5 मीटर की ऐसे वर्टिकल हाइट में। अगर हॉरिजेंटल हाइट की बात करें, मतलब हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तो ये होगा 1.2 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो 1.2 मीटर हॉरिजेंटल की बात करें तो मैं एक अलग यहाँ बना देता हूँ आपको इसका। जैसे हमारा एक ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे हमारी बिल्डिंग है, ठीक है ना। ऐसे चलो थोड़ा सा 3D इमेज बना देता हूँ, ये हमारी कोई बिल्डिंग हो गई, ठीक है ना, और यहाँ से हमारी एक लाइट की केबल जा रही है, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल ऐसे, तो ये वाली गैपिंग रहेगी वो 1.2 मीटर रहेगी। जैसे ये हमारा समझो ये इलेक्ट्रिक पोल है, तो यहाँ से यहाँ गैपिंग 1.2 मीटर, ये डिस्टेंस में रहेगा, जैसे मैंने ये बताया हॉरिजेंटल। आई होप कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल आप अच्छे समझते होंगे, मैं केवल आपको डिस्टेंस बता देता हूँ कि किसमें कितना रहेगा, ठीक है ना। तो ये लो मीडियम का जो वोल्टेज होगा उस केस में वर्टिकल में 2.5, वर्टिकल मैंने आपको समझा दिया ये वर्टिकल होता है, और ये हॉरिजेंटल जो बिल्डिंग है उसकी साइड से, समझिए आपकी बिल्डिंग बनी है कहीं घर, उसके साइड से जो केबल जाती है वो हॉरिजेंटल में आती है, और जो छत से ऊपर से निकलती है उसको हम लोग वर्टिकल बोल देते हैं, ठीक है ना। अभी एक बात करते हैं हम लोग, अभी पहला कर दिया, अभी दूसरा है हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज में अप टू 11 kV, अगर 11 kV है तो उस टाइम जो वर्टिकल डिस्टेंस रहेगी, ठीक है ना, जो वर्टिकल डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 3.5 मीटर वर्टिकल, जैसे कहीं हाई 11 kV के आसपास आ रही है, ठीक है। और ये जो हॉरिजेंटल रहेगी ये 1.2 मीटर हॉरिजेंटल डिस्टेंस, मतलब आप समझ गए, मैं एक और समझा देता हूँ हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या होता है। ये हमारा हो गई, और यहाँ से हमारा कहीं ये इलेक्ट्रिक पोल है, पोल इसके ऊपर से हमारा ऐसे केबल होके जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ
ये डिस्टेंस रहेगा 1.2 मीटर, ये हॉरिजेंटल है, जो मैंने अभी आपको समझाया 1.2 मीटर, यानी हॉरिजेंटल हो गई हमारी ये बिल्डिंग हो गई। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा हॉरिजेंटल वर्टिकल। अगर मोर देन 11 kV हो, यानी 11 kV से ऊपर हो अगर वो, तो कितना डालते हैं? अगर 11 kV से ऊपर, मान लीजिए अभी तो अप टू 11 kV था, मोर देन यानी 11 kV से भी ज़्यादा हो, तो फिर यानी वहाँ पे भी 3.7 मीटर ये वर्टिकल और 2.0 यानी 2 मीटर ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगी। ये मिनिमम डिस्टेंस की मैंने बात किया है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको मिनिमम छोड़ना ही छोड़ना है, इससे आप कम नहीं छोड़ सकते। ये मिनिमम डिस्टेंस, आप अधिक थोड़ा बहुत चाहे तो 1-2 मीटर एक्स्ट्रा में करके छोड़ सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, लेकिन 2 मीटर सफिशियंट डिस्टेंस है। अगर ये 1.2 मीटर अगर आप लो मीडियम साइज का है जो वोल्टेज लाइन जाती है वहाँ पे छोड़ते, तो 1.2 मीटर हॉरिजेंटल में मतलब आपके सामने 1.2 मीटर दूर इलेक्ट्रिक मतलब पोल रहेगा, केबल जाएगी साइड में, लाइन जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पर पोल की बात नहीं, इलेक्ट्रिक लाइन की बात कर रही है हमारी, तो आप पोल मत समझना कि पोल, क्योंकि पोल हमारा इलेक्ट्रिक पोल होता है वो ऐसे रहता है, ये वर्टिकल है, इस पर ऐसे 3 पॉइंट रहते हैं, आप देखने देखा होगा, तो 1, 2, 3, तो ये लाइन जाती जो, तो ये लाइट से इलेक्ट्रिक लाइन से बात हो रही है हमारी। ठीक है ना, अगर गांव और वैसे सिटी वगैरह में होता है ऐसा कि अपन ऐसे 2 पोल गाड़ लेते और ये पोल टू पोल जाते हैं ऐसे, तो ये जो लाइन है हमारी, ऐसे 4 केबल जाती, कहीं 3 जाती, तो ये हमारी लाइन हो गई इलेक्ट्रिक लाइन, ये लाइन बोलते। ठीक है ना, तो ये लाइन से बात हो रही है, ऐसा नहीं कि आप पोल से काउंट करो, क्योंकि पोल से ये भी कुछ करीब 800 जैसा अंदर रहता है, तो 800 mm जैसा अंदर रहेगा, तो ऐसा नहीं तो फिर ये कम पड़ जाएगी, यानी हमें लाइन से काउंट करने की। और मैंने यहाँ पे भी लिखा है वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, तो लाइन से बात हो रही है, ऐसा आप मत समझना कि पोल से, क्योंकि पोल से नहीं काउंट करते हम, लाइन से ही काउंट करते, क्योंकि लाइन से हमें 1.2 मीटर जो भी ये मिनिमम डिस्टेंस लिखा हुआ है उससे हम लोग काउंट करके बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज बिल्डिंग बायला का पहला पार्ट था। ऐसे मैं कंटिन्यूस इसके पार्ट मतलब अपडेट करता रहूँगा रेगुलर, आप वीडियो को जरूर देखते रहना बिल्डिंग बायला, क्योंकि ये आपको बहुत ज़रूरी चीज़ होती है सीखने के लिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि बिल्डिंग बायला में ये जो मैंने अभी डिस्टेंस फ्रॉम पावर लाइन एंड बिल्डिंग के बारे में जो बताया वो आया समझ। अगला वीडियो मैं इस पर कंटिन्यूस अपडेट करता रहूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।